50 साल पुरानी दुकान है ये, आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। भाई हमें कोई आदेश नहीं मिला, हमने सवेरे पेपर पढ़ा था 10 बजे, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जी अब MCD यहाँ भी दुकानें बंद करेगी। MCD को इसमें दखल देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, ख़ास तौर से साउथ दिल्ली में, और पूरी दिल्ली में भी तो गोश्त बिकता है, कोई साउथ दिल्ली में ही थोड़ी बिकता है। ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फ्री माइंड बैठते थे, फ्री माइंड काम करते, अब तो कॉप के मॉल में डरना जीना पड़ रही है हमारे को। कल खोलेंगे जब, और जो कोई आ गया हमें मारने पीटने के लिए फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि साउथ दिल्ली में ही क्यों, वो तो सारी दिल्ली में ही है, पूरे हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए। नवरात्रे तो पूरे हिंदुस्तान में आते, पूरे भारतवर्ष में आते हैं। ऐसी महंगाई की मार है, हर चीज़ महंगी है, सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी है, अब बताओ क्या करेंगे सर? यूँ रहे लोग कुछ बता नहीं रहे ना भी, मतलब खोलें या नहीं खोलें, क्या करना है आगे और क्या नहीं करना हमको। मैं साउथ MCD की जो गोश्त की दुकानें हैं वहाँ पहुँचा हूँ और सीधे बातचीत कर रहा हूँ जो गोश्त बेचने वाले हैं। कितना असर इस आदेश से पड़ेगा और किस तरह से इस आदेश को देखते हैं जो साउथ MCD की तरफ से जारी हुआ है कि गोश्त की दुकानें नवरात्रे में बंद रहेंगी, आपका नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद तस्लीम कुरैशी। इस पर असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि अब हमारी दुकान जो है 9 दिन तक बंद रहेगी। अब हम खाएंगे क्या, अब बच्चों को क्या खिलाएंगे, और नौकरों को क्या सैलरी देंगे? ये हमारे पास नौकर जो काम करते हैं इनको भी सैलरी देनी पड़ती है हमारे को, समझ में आ गई? ये हमारी तो परेशानी तो गवर्नमेंट समझ नहीं रही, गवर्नमेंट ने तो अपना हमारे पर रूल थोप दिया जी, समझे? तो क्या आपके पास कोई आदेश आया है? नहीं, आदेश तो आया नहीं, अभी हमने टीवी पे सुना है, टीवी पे देखा है, पेपर में देखा है, हमने उसको देख के फिर हमने ये मन बनाया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के आगे तो कुछ कह नहीं सकते हम गवर्नमेंट से। तो कल खोलेंगे दुकान या नहीं खोलेंगे, और आज क्यों खोली? आज तो इस वजह से खोली, आज हमें मालूम नहीं था कि मंगल का दिन था, आज सरा बंद होता है, हमारे पास जो माल होता है एक्स्ट्रा जो बचा होता है वो बेचा हमने, वो बेचना पड़ता हमारे को, आज खाली करना पड़ता दुकान को। कल बुधवार है, कल नया काम चालू होता है, लेकिन हमने आज देखा, टीवी पे देखा, पेपर में देखा, तो हमें लगा इसका नाम क्या है कि फिर हमें मजबूरन बंद करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने कहा कि भाई हमें खौफ भी है कि अगर ना बंद की तो कोई आ जाएगा। हाँ, खौफ तो है ही, अब खौफ तो है ही इस चीज़ का, नहीं बंद करेंगे तो आ जाएगा, कोई भी आ सकता है, कोई भी अपना कह सकता है, कुछ भी कह सकता है कि भैया आप रूल के खिलाफ क्यों चल रहे हैं आप, ये तो हमें। तो आपकी कितनी उम्र हो गई, कितने वक्त से दुकान है, क्या ये कभी ऐसा हुआ? पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये हमारी दुकान कम से कम 50 साल पुरानी दुकान है ये हमारी, हमारे डैडी के ज़माने की दुकान है ये, 50 साल पुरानी दुकान है ये, आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो अब हो रहा है, जो अब हो रहा है ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। 50 साल के अंदर इसका नाम क्या, 25-30 हर साल दो बार नौरातें आती हैं, कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कभी कोई आदेश भी नहीं आया, कोई आदेश ही नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फ्री माइंड बैठते थे, फ्री माइंड काम करते, अब तो कॉप के माहौल में डरना जीना पड़ रही है हमारे को। कैसे खत्म होगा ये? ख़त्म तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, ये भाईचारा होगा इसी से ख़त्म होगा, ये जो भाईचारा चलेगा। तो परिवार इसी, हमारा रोज़गार तो यही है, हमारा परिवार इसी से चलता है, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्कूल की फीस सब जो है हमारे अभी यही से निकलता है सब, हमारा कारोबार यही है। अब हमारा कारोबार बंद होगा 8-9 दिन के लिए, जो भी बंद कर दिया गया है, तो अब हमारे पे महंगाई की मार पड़ेगी। एक तो वैसे महंगाई की मार है, हर चीज़ महंगी है, सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी है, अब बताओ क्या करेंगे हम? अब 10 दिन हम घर में बैठेंगे तो 10 दिन का खर्चा हम कहाँ से लाएंगे? भाई हमें कोई आदेश नहीं मिला, हमने सवेरे पेपर पढ़ा था 10 बजे, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जी अब MCD यहाँ भी दुकानें बंद करेगी 9-8 दिन के लिए, 10 दिन जो तो 10वीं होती ना, तो 5-6 दिन के लिए अभी बंद करेगी, तो अब हम बंद कर रहे हैं। तो कल खोलेंगे दुकान या नहीं? कल खोलेंगे जब, और जो कोई आ गया हमें मारने पीटने के लिए फिर हम क्या करेंगे? कौन आएगा? कोई भी आ सकता है। हाँ जी, बंद करो बंद करो, फिर क्या करेंगे? अभी तक कोई अफसर नहीं आया हमारे पास कहने के लिए, पहले बता दें आपको, कोई नहीं आया यहाँ पे कि जी ये बंद करो ये नहीं बंद करो, आप ही लोग आए हो, मीडिया वाले। अच्छा, कोई अधिकारी नहीं? कोई अधिकारी नहीं आया, मीडिया वाले आए बस। तो अब आप कल दुकान खोलने को लेकर डर क्यों रहे? डर यूँ रहे लोग कुछ बता नहीं रहे ना भी, मतलब खोलें या नहीं खोलें, क्या करना है आगे और क्या नहीं करना हमको, सारी बात ये है। तो डर किस चीज़ का है? डर चीज़ का कि हमें दुकान में शीशे लगे हुए, फ्रिज है, कोई आगे मार पिटाई ना करे, शीशे ना तोड़ दे, ये क्या कर रहा है, तुमने आदेश नहीं माना, कोई चलान कर दे हमारा,
फिर जब कम से कम उनको आना चाहिए ना, हमसे कहना चाहिए था ताकि उस पर अब जैसे गाजीपुर में मंडी है, होलसेल का काम होता है, वहाँ बिक्री है, वहाँ पे भी तो उनको पहले कहना चाहिए ना, आदेश देना चाहिए कल से मंडी में माल नहीं बिकेगा। साउथ दिल्ली ही क्यों, तो पूरी दिल्ली में ही होना चाहिए। और ये नवरात्र इसी साल थोड़ी आए हैं, ये तो हर साल आते हैं, और एक दूसरे का ख्याल तो रखना चाहिए, हम भी रखते हैं, रखने वाली बात है, एक दूसरे का गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से चलना चाहिए। आज हम उनका ख्याल रखेंगे, वो कल हमारा ख्याल रखेंगे, इसी तरह से देश चलता है और एकता बनी रहती है और होना चाहिए। वैसे इसी साल नहीं आया नवरात्र, हर साल आते हैं, मगर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये जाने, मगर MCD को इसमें दखल देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, ख़ास तौर से साउथ दिल्ली में, और पूरी दिल्ली में भी तो गोश्त बिकता है, कोई साउथ दिल्ली में ही थोड़ी बिकता है, और हर तरह का गोश्त बिकता है, जो मामडन से उनके मतलब का है, जो गैर मामडन से उनके मतलब की बिकता है, सभी बंद होंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, लोगों के रोज़गार ख़त्म होंगे, इससे बुरी बात है कि, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को खुद भी परहेज रखते हैं, रखना भी चाहिए, अगर किसी को हमसे तकलीफ पहुंच रही तो उसे ऐसे खुले में ना बेचें, और खुले में तो कोई खाता है ही नहीं, लेकिन खुले में बेचना भी नहीं चाहिए, ख़ास तौर से इस मौके पर नवरात्र के मौके पर। लेकिन खाने वाली बात यह है कि खुले में ही खाया जाता है, जितने नॉन मुस्लिम हैं वो सारे के सारे निज़ामुद्दीन में जाके देख लीजिए आप, सब खुले में ही खाते हैं, मोमडन तो खुले में खाता नहीं, जितने गैर मुस्लिम हैं वो सब खुले में ही खाते हैं, बैठ के बाहर रोड पे बैठ के खाते हैं टिक्का कबाब सब। ये इलाकों में उन्हें मना भी नहीं है ना, हमारे इलाके में मना क्यों करेंगे, वो आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, खाइए जिसको जो चीज़ खानी है, बाकी हम तो ऐसे खुले में खाते नहीं, यही लोग अच्छा भी समझते हैं। सही समझते हैं कि जो आदेश आया? नहीं, आदेश सही नहीं है, बिल्कुल भी आदेश सही नहीं है, क्योंकि साउथ दिल्ली में ही क्यों, वो तो सारी दिल्ली में ही है, पूरे हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए, नवरात्रे तो पूरे हिंदुस्तान में आते हैं, पूरे भारतवर्ष में आते हैं, पूरा भारतवर्ष एक है, अखंड है, तो ये तो सब में ही लागू होना चाहिए, फिर साउथ दिल्ली में ही क्यों? ये दुकानें जो यहाँ हैं वो बंद कर दी गई हैं आदेश के चलते, कैसे समझते हैं इसको? वो लोगों ने आदेश सुन करके खुद ही बंद कर ली, ये क्या बंद करेंगे, उन्होंने खुद ही बंद कर ली, यहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानें खुद ही बंद कर ली हैं, अच्छी बात है कि उन्होंने खुद ही बंद कर ली, इससे पहले कि वो आदेश के तहत बंद कराते, उन्होंने आदेश सुना कल खबरों में तो उन्होंने खुद ही बंद कर ली। और नवरात्रों का आप लोग भी एहतराम करते हैं, उनको सहयोग करते हैं? नहीं, नवरात्र में सहयोग करते हैं, हम भी करना चाहिए, एक दूसरे का अगर नहीं करेंगे तो फिर ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे के सहयोग के बगैर कुछ नहीं होता है, तो सब बाबा आदम की औलाद, ये तो हज़ारों साल से दुनिया चली आ रही, और कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई सनातनी, कोई सिख, कोई पारसी, बाकी हैं तो सब एक ही माँ बाप की औलाद, बाबा आदम की औलाद हैं सारे के सारे। भाई मेरी चिकन की शॉप है, अमन है नाम मेरा। अच्छा, हाँ जी, हिंदू समुदाय से हैं? हाँ जी, हिंदू समाज से हूँ। अच्छा, ये आदेश क्या सही आदेश है या गलत? भाई सही गलत तो पता नहीं, लेकिन हम तो नवरात्रों में बंद ही रखते हैं अपनी दुकान। भाई कितने दिन तक बंद रखते हैं? 9 दिन तक तो बंद रखते हैं, नवरात्र रहते हैं, कन्या जमा के फिर करते हैं काम स्टार्ट। 9 दिन तक बंद रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। नुकसान कोई होता है? नुकसान फ़ायदा क्या, भगवान के लिए करना पड़ता है भाई, नुकसान क्या, कमाना तो पूरी ज़िंदगी है, भगवान के नाम पे कर देते हैं भाई, माता के नाम पे। क्या पहले कभी ऐसा आदेश सुना है? आदेश तो सुना नहीं है भाई, हमने तो मिनिमम 2-4 साल से दुकान करी है, ज़्यादा नहीं करी, लेकिन ये है कि हम वैसे भी बंद करते हैं 2-4 साल से। पहले खुलते थे नवरात्रि? नहीं, कभी नहीं खुली। अच्छा, क्या जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो दुकानें चलाते हैं उन लोगों की दुकानें बंद होनी चाहिए? भाई अब इस बारे एक इंसानियत के नाते क्या कहना चाहिए? देखो जी, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ भैया, मैं हिंदू आदमी हूँ, मैंने अपनी सोच बता दी कि भाई मेरी शॉप है, मैं बंद रखता हूँ, अब मैं मुस्लिम के बारे में क्या कह सकता हूँ भाई, ये बताओ आप। लेकिन अगर देखा जाए, अब MCD का फरमान है तो बंद तो करनी पड़ेगी उनको, अब वो चाहे ना चाहे भैया, है ना, चाहे ना चाहे उन्हें बंद तो करनी पड़ेगी भाई शॉप। जो साउथ MCD का ये आदेश है, इसके बाद जो मुस्लिम गोश्त बेचने वाले हैं वो किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं, उसी को जानने के लिए हम साउथ MCD में निकले हैं, और साउथ के दिल्ली साउथ के इस इलाके में हमने लोगों से बातचीत की है, जो मुस्लिम गोश्त बेचने वाले हैं उनसे भी बात की है, और जो हिंदू समुदाय के गोश्त बेचने वाले हैं उनसे भी बात की है। जो हिंदू समुदाय से गोश्त बेचते हैं उनका कहना है कि हम नवरात्रे में अपनी दुकान बंद रखते हैं और भगवान के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हमारा रोज़गार यही है,
और पिछले 50 साल से है किसी की दुकान, तो किसी की दुकान पिछले 40 साल से है। ये तमाम दुकानें दिल्ली के साउथ इलाके में चल रही हैं, जनकपुरा इलाके में, और इनका कहना है कि हम पहले फ्री माइंड होकर बैठा करते थे, लेकिन अब एक खौफ का सा माहौल है जिसमें हम ये दुकान चला रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। ये आदेश हमें किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, लेकिन हमारे साथ मजबूरी यह है कि हम अगर दुकान खोलें तो कहीं कोई आना जाए और हमारी दुकान में तोड़फोड़ ना कर दे, ये भी अंदेशा इन दुकानदारों की तरफ से जताया जा रहा है। दिल्ली के जनकपुरा से न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।